So good morning friends, again a very important topic for all of you. Today we are going to plan a demo session for you. We have Mr. Krishan and he has come to us from Crawley nearby Jaipur. Our student sabse badi baat hai that he is a PhD holder and we know very well it's era of KBS and so many students are planning for that. Our it's a congratulations aap Krishan ko bhi de sakte hain. Krishan has also passed an exam of KBS and he is going for PCD, isn't it? Yes, sir. And your subject is you are a geography postgraduate, right? Yes, sir. So other than that, मैंने आपको जैसा कहा कि इनके 3 years cover up हो चुके PhD के and it's a good nice thing for PD also कि PD classes पर इतनी दूर से भी candidates आ रहे हैं and they are learning so many things. तो आज का demonstration उम्मीद करते हैं आप सबके लिए beneficial होगा. Yes, you can carry on. Hello friends. जैसा कि हम सभी जानते हैं वर्तमान में आप सभी ने मानचित्र तो देखा ही होगा महाद्वीप और महासागर की स्थिति किस प्रकार है, क्या ये वर्तमान में जैसी है, पास्ट में भी ऐसी थी, फ्यूचर में भी ऐसी रहेगी. इन्हीं क्वेश्चनों को हम आज कवर अप करने की कोशिश करेंगे. तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन. एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन. कॉन्टिनेंट इज ए बिग लैंड मास एंड ओशियन इज ए बिग वाटर बॉडीज. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, इसमें सबसे पहले हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी गिवन बाय बैगनर इन 1912. What is the meaning of drift? Movement of one place to another place. Continental drift theory given by Wagner. Drift is movement of one place to another theory. Wagner ये बोलते हैं कि महाद्वीप और महासागरों का विस्थापन हो रहा है. आज भी महाद्वीप और महासागर चलायमान स्थिति में है. तो जब ये थ्योरी देते हैं तो इन्होंने जो आधार माना उन्होंने ये बोला कि एक ये महाद्वीप कॉन्टिनेंट सभी एक विशाल भूखंड में थे जिन्होंने इसे पेंजिया बोला. दिस इज ए पेंजिया. All of continent include this and this Pangaea surrounded by water bodies. These water bodies are super ocean, Penthalassa. And landmass Pangaea. Then, इस पेंजिया में पोलर स्लिंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स की वजह से विखंडन होता है. दिस पेंजिया डिवाइडेड टू पार्ट्स. नदर्न पार्ट इज अंगारा लैंड एंड और सदर्न पार्ट इज गोंडवाना लैंड. देन ये विखंडन आगे भी जारी रहता है और वर्तमान में ये जो आपको कॉन्टिनेंट दिखाई देते हैं वर्तमान में ऐसे बन जाते हैं. तो ये जो पोलर स्लिंग फोर्स है, पोलर स्लिंग फोर्स का कारण क्या है और टाइडल फोर्स का कारण क्या है? तो पोलर स्लिंग फोर्स कॉजेज बाय rotation of earth, while tidal force
causes why attraction force of moon and sun. बैगनर ने जब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी तो उस समय इसके पक्ष में इतने एविडेंस नहीं थे और वर्तमान में जो इसके एविडेंस है उसी से इस थ्योरी की पुष्टि होती है. तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के पक्ष में जो एविडेंस है उन्हें देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जिग्सा फिट दो टूटी हुई आकृतियों को वापस जब जोड़ा जाता है तो वो एक दूसरे में फिट होने की एडजस्ट होने की स्थिति होती है, उसको बोला जाता है जिग्सा फिट. जैसे कि मैं मैप बनाता हूं यहां पे वर्ल्ड का, तो ये एक दूसरे में आपस में एडजस्ट होने की वो रखते कैपेसिटी रखते हैं, दैट्स जिग्सा फिट. तो बैगनर ने जब ये थ्योरी दी थी तो वो बोलता है कि ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसे जिग्सा फिट. सेकंड प्लेसर डिपोजिट, प्लेसर डिपोजिट. तो प्लेसर डिपोजिट है घाना में पाए जाने वाले गोल्ड, घाना यहां पर है घाना में पाए जाने वाले गोल्ड और ब्राजील में पाए जाने वाली गोल्डन माइंस. यहां पर भी सेम एज की गोल्डन रियलिक्स पाई गई है. तो दैट मींस ये दोनों खंड आपस में कभी जुड़े हुए थे, जो वर्तमान में आज 4800 किलोमीटर दूर है. तो वर्तमान में महाद्वीप और महासागर आज भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. देन थर्ड वन फॉसिल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स में लेमूर नाम का एक फॉसिल्स है जो अफ्रीका मेडागास्कर, यहां पर मेडागास्कर है एंड यहां इंडिया, इन तीनों में पाया जाता है. दैट्स इवन इन तीनों को उस समय लेमूरिया के नाम से जाना गया था, लेमूरिया. तो अफ्रीका मेडागास्कर एंड इंडिया, तो तीनों को लेमूरिया के, क्योंकि यहां पर लेमूर नामक जीव के फॉसिल्स पाए गए थे. एंड फोर्थ वन टीलाइट, टीलाइट इज ए सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ ग्लेशियर डिपोजिशन. देन टीलाइट के अवशेष इंडिया में भी पाए जा रहे हैं, लेकिन इंडिया में आइस तो नहीं होती, लेकिन टीलाइट के अवशेष पाए जा रहे हैं. तो इससे सिद्ध होता है कि ये कभी इंडिया ऐसे क्षेत्र में था जहां पर आइस होती थी. तो ये एविडेंस कॉन्टिनेंटल थ्योरी के लिए है. तो उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आया होगा. Thank you.